क्लियर एक्शन यहां पर विजिबल है। ब्लाइंड की टीम का बड़ा पुराना यहां पर संघर्ष चल रहा था टीम स्मोकी के साथ, और वो संघर्ष मेरे ख्याल से जारी रहने वाला है बिकॉज ब्लाइंड रियाज यहां पर अकेले बचे और दो फिनिश अपने नाम कर चुके हैं। टीम स्मोकी द टेबल टॉपर्स इज नो मोर, और क्या ही परफॉर्मेंस यहां पर रियाज की तरफ से। शायद थोड़ा सा मिस आउट जरूर से हुआ था, बट यहां पर अच्छे चार फिनिशेस ये सिक्योर कर चुके हैं अर्ली इन द मैच। कहीं ना कहीं क्या लग रहा है माइवी, मौका बन सकता है उनका गेटकीप सिनेरियो क्रिएट करने का टीम ब्लाइंड के लिए? बिल्कुल बन सकता है, बट ये बहुत जल्दी रहेगा कहना क्योंकि अभी जस्ट पहला सर्कल का शिफ्ट हुआ है। या तो दोनों ही टीम्स की फाइट यहाँ पर जोन के कोने पर होगी और कोई ना कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट आएगा, या फिर मेरे हिसाब से डिसएंगेजमेंट भी बन सकती है, बट यहाँ पर फाइट होती हुई नजर आ रही है। दिनेश ने यहाँ पर एक ग्रेनेड किया जरूर से था जिसे कोई ओपनिंग नहीं मिली है, आया पीछे से व्हीकल स्पॉट यहाँ पर नोवा करके किया था, एंड जल्दी गाड़ी से शायद नॉकआउट हो सकते थे, बट घूम कर आया एक फ्लैंक और यहाँ पर अपना पहला फिनिश सिक्योर कर सकती है टीम INDI या फिर कह सकते हैं टीम दलजीत। ये पहला जोन हार्ड था, उसके बाद सेंटर बनना था, ये बात तो तय थी। तीसरा सर्कल कितना हार्ड आने वाला है वो रहेगी देखने वाली चीज दोस्त। बिल्कुल नियो की तरफ भी चलते हैं, रोटेशन में वो भी फोकस करना चाहेंगे एंड जितना जल्दी हो सके ना अपने टीम को यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। बट इसी बीच क्लच गॉड को कहीं से कहीं मैं अगर देख रहा हूँ रेड हॉट के अगेंस्ट उनकी बैटल हमें देखने वाले, जोनाथन के ऊपर एक बड़ा दारोमदार सीवी उनके आईशेल को यहाँ पर अभी के लिए कर चुके टेकडाउन, मेरे ख्याल से फिनिश ऑफ भी करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, बट रेड हॉट का कहाँ गया, उनका रिइंफोर्समेंट आना चाहना चाहिए अभी तक तो शायद। आई थिंक ये रोटेशन के बीच में कुछ रोटेशनल वहीक्युलर क्लैश हुआ, वाशु भी डाउन हो चुके हैं, 420 भी डाउन हो चुके हैं, वीरू बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग और सामने क्लच गॉड को रिवाइवल दिया जा रहा है। क्या वीरू यहां पर एक मोमेंटम शिफ्टिंग नॉक निकाल सकते हैं? जी गॉड कमिंग अप विद दैट व्हीकल, एक ऑफ गार्ड एंगल से ही आ रहे थे, डायरेक्टली रशिंग डालेंगे, शायद वीरू की लोकेशन अभी तक के लिए रिवील नहीं है, बट वीरू का आएगा ग्रेनेड जो जी गॉड को कर देगा डाउन। नियो भी आगे जा रहे हैं, क्लच गॉड की एचपी यहां पर बहुत कम है, बट आई थिंक पांचवा फिनिश सिक्योर कर चुके हैं। कोई तो यहां पर मैजिक हुआ जो वीरू को डाउन दिया गया एंड सभी को रिवाइवल मिल जाएगा, बट दैट ट्रबल जो शुरू किया था वीरू ने थोड़ा सा अगर बढ़ता तो मजा आता, इंटरेस्टिंग बनता, बट कहीं ना कहीं खतरा टल चुका है। पर टीम सोल आते जाते रोटेशंस को अच्छे से चेकआउट कर रही है, बट क्या सेंटर जाने का रिस्क लेगी या फिर अब कॉर्नर्स को ही प्रायोरिटाइज करेगी वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। चलते हैं वापस से फाइट्स की तरफ, हैविंग देम एट 15, तो यहां पर आपको एक टीम मिलेगी जिनका नाम रहेगा इनिशिएटिव ईस्पोर्ट्स और इंडियन टाइगर्स, या फिर एक और टीम कह सकते हैं पुशर ईस्पोर्ट्स की यहां पर फाइट हो चुकी है। तीन फिनिशेस आ चुके हैं यहाँ पर 15 के पास, पाव किलो यहाँ पर मौजूद हैं, डॉन आपको मिलेंगे और मेरे ख्याल से फाइट की समाप्ति गैस स्टेशन पर यहाँ पर होती हुई, और हमारे साथ जो टीम थी पुशर उन पे बड़ा एग्रेसिव पुश आया था अभी। बिल्कुल एंड जैसी फाइट खत्म हुई है तो एनटीटी को पता है कि क्या क्या कब क्या करना चाहिए, तो उन्होंने फिनिशेस फीट के ऊपर ध्यान दिया, देखा कि कुछ नॉकआउट हुए, लेकिन शायद ये थोड़ा सा पॉज कहीं एनटीटी के ऊपर भारी ना पड़ जाए क्योंकि सारे खिलाड़ी अगर आप देखेंगे मायावी सभी के सभी रिकवर्ड हो चुके हैं अगर आप देखेंगे तो। बिल्कुल, बट ये अग्रेशन जाना जाता है, ये इसीलिए जानी जाती है एनटीटी की लाइनअप, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने कल तो देख ही लिया था, वो ऑफगार्ड एंगल का एक प्लेयर है जिसको नेड करते हुए शॉट स्पॉट कर लिया जोनाथन ने, एंड दैट इज द वन जो ओपनिंग निकाल कर अब देके जाने वाला है। क्या जोनाथन अब ग्रेनेड करेंगे? जी हाँ, बट ये कितना प्रोडक्टिव होगा वो लियो का एक ग्रेनेड आया जो पेन को बहुत ज्यादा पेन देकर जा चुका है, एक ओपनिंग निकल चुकी है, एंटिटी इज लुकिंग रियली गुड, एंड ये लीजिए क्लच गॉड फॉर द रीइंफोर्समेंट ऑफ द गॉड, 9 फिनिशेस इनके खाते में आ चुके हैं, द अग्रेशन दे आर नोन फॉर, एंड उसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल सेट करते हुए टाइम इतना जरूर मिल गया था वहां पर इनिशिएटिव के प्लेयर्स को कि वो आराम से हील कर ले और पूरा रेडी हो जाए इस फाइट के लिए, बट मौका देने के बावजूद भी जिस चीज के लिए जानी जाती है टीम उसे एक बार फिर से सही प्रूव करा, ये अभी भी नहीं रुक रहे हैं। जोनाथन एक बार फिर से अग्रेसिव मोड के अंदर सामने कुछ और प्लेयर्स को स्पॉट किया था, एंड यू नेवर नो एक और रश आ सकता है यहाँ पर। बिल्कुल स्लॉट नंबर 7 वॉकआउट से खिलाड़ी उस देख सकते हैं यहाँ पर, जब भी एडीएस खोल रहे तभी हमें टीम का दोबारा पता चल रहा है, बट कौन कौन से खिलाड़ी है वो तो गाइज वहीं पर जाके पता चलेंगे। एंड जैसे माय भाई ने बोला है कि गाइज मेक श्योर 20,000 की लाइव वॉचिंग चल रही है, और आप लोग यार लाइक गोल कंप्लीट नहीं कर रहे तो जरूर कर दीजिएगा, मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 10,000 का लाइक गोल हमारा पहले ही गेम में पता चल जाइए, हमें पता चल जाना चाहिए कि बीजीएमआई का कितना सपोर्ट आ रहा है, और ये चीज आप लोग ही अचीवमेंट मतलब जो गोल्स है आप लोग ही अचीव करा सकते हैं। बट अभी मिड रेंज में कुछ और फाइट्स लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रही है एनटीटी की टीम, एक ओपनिंग नियो ने जरूर से निकाली है, लीजिए अगर कुछ रैंडम पार्ट्स आते हैं तो यू नेवर नो एक और ओपनिंग निकल सकती है,
सीकोर्ट को नॉक किया गया था, उन्हें रिवाइवल यहां पर मिल चुका है, बैक पूरी क्लियर है, जोनाथन बहुत पीछे है, नियो आई थिंक इज द वन जो इस अग्रेसिव मोड को अब अंजाम देने वाले हैं, बट ये लीजिए से गलती हो गई दोस्त, मैंने कहा था कि जोनाथन पीछे है बट अब ये सबसे आगे जाना चाहते हैं, और ये लीजिए टीम अंतर्यामी के पास पहुंच चुका है ये गॉड लेवल खिलाड़ी जो कि अब ग्रेनेड करने वाला है, क्या ओपनिंग मिलेगी ये अभी पता चल जाएगा, पायलट ग्रेनेड तो नहीं है, बिल्कुल सही टाइम पर ये कुक ग्रेनेड है जो ओपनिंग निकाल कर देकर जाएगा, डेफिनेटली यहां पर क्लच गॉड वाज द वन निकालेंगे ओपनिंग, और टीम एंटिटी को रोकना आज मुझे किसी भी तरीके से आसान नहीं लग रहा है, गन पावर हो या ग्रेनेड्स की बारी हो बिना किसी डैमेज के इन्होंने टीम अंतर यामी को एलिमिनेट कर दिया, टीम सोल को एंट्री मिल चुकी है जोन के अंदर, एरिया बहुत अच्छा है और शायद रिवाइवल भी काफी आसानी से मिल सकता है, जी हाँ यहाँ पर कवर है, सारे प्लेयर्स मौजूद हैं, स्मोक्स भी यहाँ पर कर सकते हैं, बट नाउ इट्स अ टाइम टू डिफेंड योर एरिया, आपने जोन के अंदर एंट्री ले ली है, आप कॉर्नर पर आ चुके हैं, बट अब बारी आती है पीछे से जो प्लेयर्स बैक स्टेप करेंगे उनको रोकने की, देखिए माय गॉड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग टू विटनेस द सेम कि मिड रेंज में ओपनिंग निकलती है, नहीं अमन कमिंग अप विद द ग्रेनेड, क्या एक नॉक निकलने वाला है उस ग्रेनेड से, गया जरूर था आगे, आई थिंक ये किल फीड से ही पता लगने वाला है क्योंकि वो एक छोटा सा ग्लिच अभी जो चल रहा है बीचे भाई के अंदर, सुपर लॉन्ग रेंज डिफीट, तो यहां पर अभी के लिए कोई सुपर लॉन्ग रेंज डिफीट की अकॉम्प्लिशमेंट जो है वो विजिबल हुई है, एस पावर लॉबी के अंदर खेल जरूर रहे हैं बट किसी और टीम में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, बट ये देखिए आप टीम एंटिटी एक बार फिर से किल्स निकालने की बारी, अभी अंतर्यामी की टीम थी और अब बारी आ गई हाइड्रा की टीम की, 17 फिनिशेस ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हैं ये लाइनअप और 11 टीम्स अभी भी बची हुई है इस मैच के अंदर, हाइड्रा भी यहाँ पर खेल रही है, मैं भी काफी सरप्राइज हूँ और उनके फैंस भी काफी यहाँ पर उनको चीयर अप कर रहे थे, लेकिन सडनली उनका भी यहाँ पर हमें फिनिश ऑफ भी देखने मिला, बट कोई बात नहीं, दो गेम्स है अपना इंप्रूव करके दिखा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर हम बात करें भाई भी संधनु कला बोल नहीं सकते जो उन्होंने करके दिखाया था, थोड़ा सा ग्लिचेस का एक फायदा उठा के दिखाया था, बट अभी के लिए अगर बात करें फाइनली पहला ओपनिंग मिल चुकी है यहाँ पर टीम, अगर बात करें टीम सोल को पहला खेल उनको मिल चुका है पहला फिनिश, जी हाँ पहला फिनिश सिक्योर कर चुके हैं, बारी आ रहेगा टॉस की, बट ये लीजिए अमन ने एक स्लैम एंड प्लान किया था, बगी लेकर आगे जरूर गए थे बट ये थोड़ा सा अग्रेशन ज्यादा हो चुका था, आगे जाना इस तरीके से इनके फेवर में गया नहीं, अमन को बचाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप और ज्यादा अगर यहाँ पर अटैक कर दे द बेस्ट वे टू डिफेंड इज टू अटैक, बट रेगल टॉस को भी यहाँ पर नॉकआउट होना पड़ेगा, मॉडल की एचपी भी बहुत ज्यादा कम है, वाइपर बचे हुए अकेले, वाइपर चचा को आगे जाना ही पड़ेगा, यहाँ पर 2 से ज्यादा नॉक्स निकालने पड़ेंगे, एंड लीजिए वाइपर आ चुके हैं, अलाउ कर रहे हैं मॉर्टल को हील करें आप, और उसके बाद एक स्लैम इन प्लान किया जाएगा, इसकी एग्जीक्यूशन देखनी पड़ेगी, बट हमारी एंटिटी की टीम भी थोड़ी सी ट्रबल में है, 2 से ज्यादा प्लेयर्स वहां पर नॉकआउट हो चुके हैं, जोनाथन यहां पर आ चुके हैं, अब देखना यह पड़ेगा कि जो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ था टीम बीबीएच का वो कितना ट्रबल देके जाने वाला है, क्या क्लच गॉड दोनों को रिवाइवल दे पाएंगे, मल्टीपल फाइट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, बीट एंटिटी बीट सोल दोनों ही वहां पर थोड़े से ट्रबल टाइम में है, दोनों ही टीम्स के 2-2 प्लेयर्स यहां पर नॉकआउट हो चुके हैं, 17 फिनिशेस यहाँ पर निकाल चुके मायावी, अभी भी 16 खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं टॉप 5 में, तो टीम यहाँ पर आ ही चुकी है, टीम एंटिटी अगर बात करते हैं इंडियन टाइगर्स, ये भी काफी एक बोल सकते हैं फेवरेट फैंस फेवरेट एक टीम रहती है, इनके इनके भी चारों के चारों खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है, आई थिंक सोल की टीम एलिमिनेट हो चुकी है गेम जो किल फील्ड के अंदर, मैंने जितना रीड किया था जोनाथन विद दैट टाइम 249 हो चुके हैं नॉकआउट, क्लच गॉड बहुत ज्यादा आगे चले गए थे उन्हें भी यहाँ पर नॉकआउट कर दिया गया, इट्स ऑल अबाउट टू फॉर सी गॉड एंड नियो, कितना यहाँ पर अग्रेशन अब देखने को मिलेगा, स्पॉट तो ये कर चुकी है नियो, बहुत रिस्की रिवाइवल दे रहे हैं जोनाथन को जो शायद सही तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, बट एंट्रिक्स के बहन वेनम यहां पर अपनी एकेएम से बहुत खतरनाक जहर उगलते हुए दोनों ही टीम से 2-2 प्लेयर नॉकआउट है, रिवाइवल मिल जरूर चुका है जोनाथन को, बट स्मोक पाथ बना के जोन के अंदर अपनी जो एंट्री है वो सिक्योर करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कम समय बचा है, सिर्फ 18 सेकंड्स बचे हैं, 26 मीटर का डिस्टेंस भी ट्राई करना है, और ये लीजिए रास्ता क्लियर हो चुका था, टॉप 4 के अंदर जगह सिक्योर हो चुकी है, 20 के ला गए हैं एनटीडी की टीम के पास, अपना आईजीएल जरूर से गवा चुकी है बट कॉल्स बहुत अच्छी आने वाली है, और आई थिंक एरिया की अगर आप बात करें तो कितना सिक्योर्ड एरिया है एनटीडी की टीम के पास, अब 20 फिनिशेस, क्लच गॉड का बेशक वहां पर सैक्रिफाइस उठाना जरूर पड़ा है, लेकिन स्टिल तीन खिलाड़ी यहां पर अवेलेबल है, और ये जो जगह है ये जो टावर के नीचे जो जगह मिल मुझे नजर आ रही है भाई भी, यहां से आराम से स्नीकी पीक आराम से पीक ले सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, वही चीज देखने को मिलती है, ईएस एंड हसल को बाहर थे, एंड देखिए बाहर वाली जो फिनिश है ना उसको भी निकालते नजर आ रही है टीम,
बिल्कुल कहीं ना कहीं अब मौका बनेगा। क्या देखते हैं एनटीटी ने जहां से कल अपना दिन खत्म किया था वहीं से शुरू किया है, क्योंकि 20 पे तो ये खत्म कर कर गए थे और 21 से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो न जाने कौन सी आज यहां पर अपनी एनर्जी दिखाने के मूड में आ रही है टीम एनटीटी। आप एक बार जोनाथन का ये अग्रेशन देखे, रुक नहीं रहे हैं, 800 किल्स आ चुके हैं इनके पास और ग्रेनेड्स की बारिश यहां पर कर दी है। मिनी रेड जोन बनाने की बारी है। तीनों ही प्लेयर्स की एक क्लियर इंटेंशन दिख रही है कि ग्रेनेड्स के अंदर कहीं कमी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें कुछ कुछ जगह पर थोड़ी सी लॉन्ग ग्रासेस है, कुछ कुछ जगह पर थोड़ी सी छोटी ग्रासेस जहां पर उनकी लोकेशन पड़ रही है और ये की बात करता, लेकिन जी कॉर्ड का रिफ्लेक्स देखिए एंड इसी बीच मेरे ख्याल से आईटी सारंग भी हो सकते हैं। नॉकआउट लोकेशन स्पॉट आउट हो चुकी है यहाँ पर टीम एंटिटी की। आई थिंक इंडियन टाइगर्स को जोन का फेवर नहीं मिला, बहुत ज्यादा खतरा जाएगा। नंबर एडवांटेज टीम के पास, जोनाथन यहाँ पर बचेंगे, आखिरी प्लेयर बचा है, स्पॉपर एक्सपोर्ट कर लिया जाएगा। टीम एंटिटी जहां से कल अपना दिन खत्म कर कर गई थी एक बार फिर से वहीं से शुरुआत करी है। एंड लुक एट द नंबर ऑफ किल्स, माय गॉड, 24 किल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब मुझे एक बार सही से चेक करना पड़ सकता है, 25 किल्स है, आई थिंक 25 किल्स, जी हां 25 किल्स, 25 फिनिशेस का ये विनर विनर चिकन डिनर। कल 20 में खत्म करा था, आज 25 से शुरू करा है, तो क्या ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच होने वाले हैं आगे वाले, कुछ नहीं पता। ये 30-30 किल्स के 30-30 फिनिशर्स ऑफ के चिकन डिनर भी लेके जा सकती है टीम। मेरे ख्याल से अपने ही देखिए रिकॉर्ड होता है टूटने के लिए, लेकिन हमने ही सुना है कि जिस दूसरे का रिकॉर्ड होता है टूटने के लिए, लेकिन ये तो अपना खुद के रिकॉर्ड यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं। एंड 25 मतलब क्वार्टर ऑफ द टीम, जितने मतलब अगर बात करें 100 में से स्लॉट्स होते हैं अगर देखा जाए ओवरऑल में, उसमें क्वार्टर लॉबी एक तरीके से बोल सकते हैं, बट स्टिल जी आप मतलब कंप्लीट वैसे स्लॉट फुल नहीं होते गाइस, हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं। लेकिन 25 यहाँ पर फिनिशेस निकाल के इन्होंने जो एक पहले मैच में एक दर्शा दिया, एक बोल सकते हैं डंका बजा दिया कि आप थोड़ा सा संभल के रहिए,